ये आ जाएगा 3D मॉर्निंग वॉक कॉस्ट्यूम है। आलिया वहाँ फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन नहीं हो रहा। मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी और आज हम जा रहे हैं एक मॉर्निंग वॉक पे। हम कहाँ जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए? ब्रेकफास्ट इन द एंशिएंट फॉरेस्ट, वॉक थ्रू एटलांटिस। थैंक यू सो मच द फन ब्रैंडफुट रिजॉर्ट। आज हम यहाँ जा रहे हैं वॉक पे और ये आलिया का मॉर्निंग वॉक कॉस्ट्यूम है। तो कह रही है पहला होगा 3D मॉर्निंग वॉक कॉस्ट्यूम है। आलिया वहाँ फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन नहीं हो रहा। तो ये मम्मी ऐसी हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सबके मोबाइल है और पापा आदिल और क्या कहते हैं कृतिका को बुलाने के लिए गए हैं, क्योंकि कृतिका का मैसेज आया था 7:29 पे और वो अभी तक नहीं आई है। कृतिका रेडी है, आदिल क्रीम लगाने में आदिल का मेकअप चल रहा है, क्रीम सबसे ज्यादा। देखो सब कहते हैं लड़कियां लेट करती हैं, लड़कियां मेकअप करते हैं, इस बार आदिल ने मेकअप करने सबसे ज्यादा टाइम लगा दिया। उसका अभी तक मेकअप खत्म नहीं हुआ है, उसको क्रीम पे क्रीम और क्रीम पे मेकअप लगाना है। वी आर वेटिंग फॉर आदिल। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, हमारा नाश्ता ठंडा हो गया है। पापा सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग मैसेज लिख रहे हैं। फोन कर लो। नताशा का OOTD है, मम्मी का OOTD है। मैं तो 3-4 दिनों से यही पहन रही हूं, यही कपड़े बचे हैं मेरे पास। आशीष ने पूरा दिखा, आशीष का पूरा ओल्डी है, ये ट्रैक में आ चुका है, क्योंकि हम लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि आप सब ट्रैक में आ जाना, क्योंकि आपको 4 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर जाना आशु? कितना किलोमीटर है? तो कृतिका और आदिल हमें ऑप्शन मिला है गाड़ी से जाने का और पैदल जाने का। तो हमें 2 ऑप्शन मिले थे, गाड़ी से जाने का और वॉक करके जाने का, जो कि 4 किलोमीटर्स है। गाड़ी से 20 मिनट्स में पहुंचेंगे, वॉक करके शायद 1-1.5 घंटे में पहुंचेंगे। तो सबने डिसाइड किया है कि वॉक करके जाना है, क्योंकि सबको एडवेंचर करना है, सब वॉक करके जाना चाहते हैं। यस, वॉक करके जाएंगे भाई, पहाड़ों में थोड़ी ना गाड़ी बैठने के लिए। हाँ, तो गाड़ी तो हम शहरों में भी बैठ जाते हैं। तो ये हमारा ट्रैवल गैंग, जो मसूरी का पहला सिनेमा हॉल है पिक्चर पैलेस। हम वीडियो बनाने के चक्कर में 4 किलोमीटर जाना है हमें, तो हम भाग लेते हैं। जंडोर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मसूरी। हाईएस्ट पॉइंट है 7500 फीट। अच्छा, ठीक है। तो देवदार है दोनों साइड। अच्छा, तो ठंडी ठंडी हवाएं। क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे बोल दे, मैं जैकेट ले आता एक बार। ठीक है, इतना ही पहना है लाइट। आप तो हॉट हो ना सर? ये हॉट नहीं भाई, अब हॉट में सब खत्म हुई। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लंदन की अफसरा भारत में। नहीं हो रहा है गाइस, दूसरे पहाड़ पे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऐसे में कभी होटल रूम में नहीं उठी, मतलब हूँ वेक्स अप फॉर ब्रेकफास्ट। खाना नहीं मिलेगा खाना जब तक पहाड़ की चोटी पे नहीं जाओगे। कौन से रोड पर आ गए? मॉल मॉल बोलते, मॉल नहीं बोलते। इसको बोला था मॉल जाएंगे, तो इसको लगा आलिया को कि हम मॉल किसी मॉल पे जाने वाले, तो इसको धोखा लाया। आलिया को धोखा हुआ, आलिया को हमने बोला था हम जाएंगे मसूरी मॉल रोड में, तो सारा कोई मॉल होगा जहाँ से वो घुसी या पराड़ा की कपड़े लेगी, बट वो मॉल नहीं है, वो मॉल रोड है जहाँ पे लोकल शॉप होती है। हमें करना था स्कैम, हमें भी करना था स्कैम। जैसे तुम दुबई में ले जाके हमें दुबई मॉल लेके चली गई थी 3 दिन, नताशा 3 दिन दुबई में से क्या घुमाया दुबई मॉल, इसके कपड़े खरीदने खत्म नहीं हो रहे थे वहाँ पे। आप घूमो तो पहाड़ों में ऐसे हमारे साथ, नताशा सच्ची बताओ तुम, ऐसा किया था ना इसने। आलिया को बंदर से कटवाएंगे। देखो शहर के नौजवान पहाड़ों में थक गए इसके पीछे बंदर और पड़ेगा ताकि जल्दी और 50 साल के बुजुर्ग एकदम बिल्कुल नहीं थके। सराठन चल रहे गोली की रफ्तार से। तुम्हारे पापा पता कैसे होते हैं? सबसे आगे भक्ति होते हैं, बात भी करते हैं। बेसिकली जब मसूरी स्टार्ट हुआ था तो दीज आर द फर्स्ट सेटलमेंट, ये जो सामने है मलिंगार हाउस बोलते हैं इसको, फर्स्ट सेटलमेंट यहाँ पर हुए और आलू उगाए गए यहाँ पर ना। इस एरिया का नाम ना अभी तो लैंड और है, बट उस टाइम पे मड आलू बोला जा रहा था, मड आलू रख देते हैं इसका नाम। फिर लैंड और रखा गया, लैंड और इसलिए देखा गया, आप लैंड और की स्पेलिंग पढ़ोगे तो लैंड आर है उसका ना स्पेलिंग, लैंड आर। तो ब्रिटिशर्स यूज टू लिव एट द टॉप, एट द टॉप ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बोलते थे ये हमारा लैंड है, लैंड आर।
अच्छा दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अभी ये जो नीचे वाला एरिया देखो कि तो ये बच्चे खाना के से फेमस बच्चे खाना है अभी भी बोलते हैं इसको ना गाइस ये सबसे एकदम खड़ी चढ़ाई है एकदम स्ट्रेट एकदम सीधी उन डायरेक्टर का नाम क्या विशाल ताशी मोमो विशाल भारद्वाज उनका घर है यहां पे कभी जिम में आपने इंक्लाइन करके ट्रेडमिल पे वॉक की हो उससे भी ये ऊंची वाली इंक्लाइन है देखो आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ है सब सबकी हालत खराब हो चुकी है जब बर्फ गिरती तो गाड़ी में चेन लगाते हैं ऐसे ये देखो गाड़ी में चेन लगी है क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो गाड़ी फिस लेना सब लोग थक चुके हैं चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ आदिल थक चुका है कुर्तिका ने शूज थोड़े चे अलग पहन लिए इसके पाँव में दर्द हो गया बेचारे के ये घर कितना प्यारा है सोचो इतनी पहाड़ों के ऊपर रह के इतना सुंदर घर बना के रहना जन्नत ही है एक तरीके से और क्या व्यू मिलता होगा सामने ओपन व्यू आइए दुबई से आइए इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मसूरी अब हम पहुंच चुके हैं मसूरी चर्च वाह हम पहाड़ के एकदम चोटी पे आ चुके हैं और यहाँ से पापा को अपने बचपन की याद आ गई जो कि पापा बचपन में रहे नहीं गाँव में दिल्ली से पढ़ाई की है हमारे यहाँ इससे बड़ी ऊंची चोटी है लेकिन अल्मोड़ा के पहाड़ ज्यादा ऊंचे वैसे है ना ये भैया हमें सब बता रहे हैं लाइन से क्या 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 है मसूरी इज द फुटहिल ऑफ हिमालयस अच्छा गाइड कर रहे हैं तो आपका आप देखोगे तो काफी छोटे पहाड़ है इन कंपैरिजन तो आप सामने वाली पहाड़ी देखोगे ना तो ऊंची ऊंची अभी लाल टिब्बा जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट के बीच में ही टाइप का शॉर्ट पिकनिक होगा वो ना हमारा पिकनिक हो रहा है स्कूल में तो हुआ नहीं अब कर रहे हैं ये है देवदार के पेड़ जिसके बारे में एक कहावत है जो अभी हमारे भैया ने बताई 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा मतलब बताओ मतलब 100 साल ये खड़ा रहता है सीधा 100 साल ये पड़ा रहता है और फिर वो सड़ता है मतलब इसकी एज 300 साल है मम्मी 300 ईयर्स और ये पेड़ 300 साल तक मतलब सड़ता भी नहीं है और एकदम इसकी सबसे ज्यादा एज होती है इसलिए जैसे सबसे ज्यादा घर बनते हैं ना वो लकड़ी का जो काम होता है पर आज अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो गई लेकिन यहाँ पे इतनी शांति है कि चलने की आवाज आ रही है सबके पांव के चलने की आवाज इतनी शांति है तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लाल टिब्बा यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मसूरी के थोड़ा आगे जाके मम्मी को मजा आ रहा है मम्मी पिछली बार बिल्कुल घूम नहीं पाई थी मसूरी पापा ने एकदम सारा टाइम सोने में निकाल दिया था पर अब मजा आ रहा है हमने घूमा अच्छे से मसूरी कम से कम देख तो लिया कम से कम जब जाएंगे अपने घर तो पूछेंगे कहाँ कहाँ गए थे तो बोल तो सकते हैं तो ये है लाल टिब्बा फेमस लाल टिब्बा मम्मी और यहाँ का फेमस अचार और आदिल व्लॉगिंग कर रहा है आदिल इज बिगेस्ट व्लॉगर इन इंडिया कृतिका सबका कुछ ना कुछ चल ही रहा है शूट वूट तो फाइनली हम लाल टिब्बा पहुँच गए थे लेकिन भैया ने बोला कि अभी और आगे जाना है और सबकी सांसें एकदम ऊपर आ गई और दिल दहल गया है कि अभी कितना चलना है भैया अभी और ये भैया ने 5 मिनट बोल के ना कम से कम तो 3-4 घंटे चला दिया तो ये देखो ये एक जगह है ये एक पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं फोटो क्लिक करते हैं काफ़ी सारे कपल भी आते हैं अपने घर वालों को झूठ बोल के यहाँ फोटो क्लिक कराने के लिए दिल्ली की रेड लाइट पे बच्चे आते हैं भीख मांगने के लिए वो इधर भी आ रहे हैं वो यही लड़की है जो दिल्ली की रेड लाइट पे भीख मांगती है यहाँ पे देखो हमारी गाड़ी है मम्मी खाना खा रही है मम्मी के पेट में है दही और पराठे दही भी है नताशा भी ले आई है दो दही नताशा की फेवरेट दही अलिया 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 को जब से गाड़ी मिली है गाड़ी से बाहर ही नहीं आई है मजा आ रहा है अच्छा बहुत एंजॉय कर रहे हो या बट आई एम नॉट गोइंग टू ब्लडी गेट आउट ऑफ माय कार हाँ क्योंकि अभी जाना नहीं चाहती ये अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ जाएगी और फिर इसमें ऐसी लग भी रही है यहाँ पे चल रहा है पार्टी और पार्टी चल रही है पानी और आले जी तो ये आदिल और आलिया ने बताया कि गाइस तो बोलो गाइस बोलो मेरा ब्लॉग शुरू नहीं होता आदिल गाइस बोलना जरूरी होता है सो गाइस आदिल ने बोला कि सबसे ज्यादा मजा आता है पानी और पार्ले जी खाने का मैंने कहा नहीं चाय और पार्ले जी का मजा हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा गरीब आदिल रहा है इन्हें पानी का तो फिर आलिया ने बोला कि मैंने भी खाया मैंने कहा पर ठीक है वो गरीब सो सकते पर ये गरीब कैसे कहते नहीं मेरे दोस्त गरीब थे वो दोस्त मैं ही हूं तो ये देखो पानी में
मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। ये पता कहते थे पानी तो काला होता है क्योंकि इसने कभी व्हाइट ऐसा क्लियर वाला पानी दिखाई नहीं था, इनके दाल भी ब्लैक होती है। देखो हमारे रिजॉर्ट वाले हमेशा नाइट में एक दो चॉकलेट देते हैं, गुड नाइट चॉकलेट देते हैं।